नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है। 2/3/2022 को मार्केट में गिरावट है, लेकिन टाटा स्टील में तेजी है। उसका कारण यह है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, अब तो सीमित हो गया, क्योंकि और देश सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं तो अपने आर्मी या सोल्जर भेजेंगे नहीं, तो रूस और यूक्रेन के बीच झगड़ा रहेगा आने वाले दिनों में। कितने दिन तक रह सकता है वो देखने वाली बात है। मेटल सेक्टर में तेजी है दोस्तों। तो टाटा स्टील का जो स्टॉक एक रेंज में कारोबार कर रहा था, आज लगभग 1280 तक पहुंच गया। तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं। देखिए, फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं तो सुधार हो रहा है। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो टाटा स्टील का सेल्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में भी बढ़ने की संभावना है, और रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उसकी वजह से मेटल सेक्टर में तेजी रहेगी। तो सबसे पहले जो बढ़ने वाला स्टॉक रहेगा टाटा स्टील रहेगा दोस्तों। साथ में हिंडाल्को भी बढ़ रहा है, बट ये कि टाटा स्टील का स्टॉक अपने हाई से काफी नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों, वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़े रहने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, अब टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। देखिए, आज जो कैंडल बना हुआ है, बुलिश कैंडल बना हुआ है। इससे पहले भी देखिए एक तेजी बनी है, उससे पहले भी तेजी बनी। पिछले तीन ट्रेडिंग सेशन में टाटा स्टील में एक जबरदस्त तेजी बनी है और वॉल्यूम के साथ स्टॉक बढ़ा है दोस्तों। और जैसे कि बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच जो झगड़ा है, वॉर है, तो उसके वजह से मेटल सेक्टर को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाटा स्टील एक हैवीवेट स्टॉक है और पिछले 4-5 महीने में अंडर परफॉर्म किया है, बट ये कि सपोर्ट जो 1060, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताने की कोशिश थी कि 1060 में बाइंग आ रही है और बड़ी गिरावट आई थी, जबकि निफ्टी में ये नीचे की तरफ आया था 1067। तो 1067 से बढ़कर अब 1286-1280 के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो आगे के क्या लेवल्स हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। अगर ये स्टॉक आज 1280 और 1300 के आसपास क्लोजिंग देता है तो ऊपर की तरफ सीधे से 1330 से 1340 तक स्टॉक जाता हुआ दिखेगा, और 1340 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो मान के चलिए कि ये 1375 तक, 1375 के ऊपर तक जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। आपको देखते हैं तो ऊपरी लेवल से फिसला है ये। 19/10/2021 अक्टूबर के महीने में 1400 में था दोस्तों, वहां से लगातार एक तरह से नीचे की तरफ स्टॉक आया और रेंज में कारोबार कर रहा था, 1060 में बाइंग आ रही थी। तो जिन्होंने अभी लिया है नीचे के लेवल पे, तो 1264 या 1250 का स्टॉप लॉस प्रॉफिट वाला होना चाहिए। जो यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, सपोज किसी ने इंट्राडे में खरीदारी कर ली, तो 2% का स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए और स्टॉक में बने रहना चाहिए। स्टॉक हमें ऊपर की तरफ लगभग 80 से 100 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, और इसमें जो 19/10/2021 को जो गिरावट आई थी 1400 तक भी, तो 1400 के ऊपर तक भी जाता हुआ दिखेगा। पिछले 4-5 महीने में जो ट्रैप हुए हैं टाटा स्टील में, तो एक तरह से होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा समय देना चाहिए। तो दोस्तों, प्रेजेंट टाइम के अनुसार जो चार्ट बना हुआ है डेली कैंडल्स का, उसके अनुसार लेवल्स से स्टॉक में एक तेजी बनी है और बढ़ता हुआ दिख सकता है स्टॉक दोस्तों। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर बाजार से जुड़े रहने के लिए, स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए, जानकारी के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।